हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन गूगल एड्स के थ्रू ऑन हो सकता है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन जो होता है वो गूगल एड्स से नहीं ऑन हो सकता, क्योंकि जो वॉच टाइम होता है वो काउंट नहीं होता है। पर मैं आप लोग को बताऊँ कैसे गूगल एड्स के थ्रू आपके वीडियो का जो वॉच टाइम है वो काउंट होता है और कैसे उससे आप अपना मोनेटाइजेशन ऑन करवा सकते हैं। बस आपको उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर सकोगे गूगल एड्स के थ्रू। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के पूरे एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और कोई भी स्टेप को छोड़िएगा मत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम है प्रियांश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि हमारा जो मोनेटाइजेशन होता है, जो हमारा वॉच टाइम होता है, गूगल एड्स से काउंट नहीं होता है। गाइस, अगर देखा जाए तो इनिशियली जो हमारा वॉच टाइम होता है वो नहीं काउंट होता है, पर हम लोग कैसे उसे काउंट कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी को पैसे स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि वो पैसे का हम लोग को कुछ रिवर्ट बैक मिले। अगर हम लोग ने 1,000 रुपये दिए तो 1,000 से मानते हैं कि हमें 50 सब्सक्राइबर मिल गए, पर ऐसा करना चाहिए ना कि 50 सब्सक्राइबर के साथ साथ कुछ वॉच टाइम भी मिल जाए, अच्छा खासा वॉच टाइम मिल जाए। सो मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ। उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको जब भी अपना वीडियो का कैंपेन रन करोगे, कैंपेन रन करने में आपको पहले तो देखना है कि आप कैसे कम से कम बिड में कम से कम रुपए खर्च करके ज्यादा से ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर ले पाओ, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपका पहली बार तो व्यूज नहीं आएंगे, दूसरी बार सब्सक्राइबर्स भी कम आएंगे और तीसरी बार आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो आपको पहले ये जानना है कि आप कैसे कम पैसे देकर ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि आपको लाइव प्रूफ देखना है कैसे मैंने 50 रुपए में 1,000 सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम बहुत ज्यादा उससे लिया है यूट्यूब से, अगर आपको ये चीज देखना है तो आप लोग आई बटन पे वीडियो देखिए, मैंने आपको बताया है कि 50 रुपए में कैसे आप लोग 1,000 सब्सक्राइबर ले सकते हो और उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वो इस वीडियो के बाद आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग कैसे अपना वीडियो को वॉच टाइम काउंट करा सकते हो अपनी मोनेटाइजेशन के टाइम गूगल एड्स से। तो गाइस देखिए, जब भी आप मोनेटाइजेशन ऑन कराते हो या फिर जब भी आप लोग यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो उसमें जो वॉच टाइम होता है वो सिर्फ उतना वॉच टाइम काउंट होता है जो कि आपका जेन्युइन वॉच टाइम होता है। जो भी गूगल एड्स या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू प्रमोट करके आता है वो वॉच टाइम कभी काउंट नहीं होता है। पर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग अपना वॉच टाइम काउंट करा सकते हो। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी वीडियो अपना प्रमोट करना है, जैसे कि मैं अपने 11 वीडियो प्रमोट कर रहा हूँ गूगल एड्स का, कि आप लोग कैसे अपने गूगल एड्स का वीडियो का वॉच टाइम काउंट करा सकते हो, तो मैंने 11 वीडियो प्रमोट किया। अब इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड और वीडियोज बनाने हैं, जैसे कि मैंने इसे बना दिया कि 50 रुपए में कैसे 1,000 सब्सक्राइबर लें, ठीक, गूगल एड्स अगर डिसअप्रूव हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिसअप्रूव हो रही है, कैसे उसको सॉल्व करें, उस पर वीडियो। और अगर आपको गूगल एड्स के थ्रू अपने वीडियोस पे ज्यादा व्यूज लाने, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, उससे क्या हम लोग कर सकते हैं। सो ऐसे करके आपको कुछ वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाए तो उसी से रिलेटेड आपने 5-6 वीडियो और बना दिए। तो उसके बाद जब आप उसका कैंपेन रन करते हो, जैसे मैंने इस वीडियो का कैंपेन रन करा तो मैंने इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं वो मैंने उन्हें एंड स्क्रीन पे लगा दिया या फिर मैंने आई बटन पे लगा दिया और डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। और जो भी वीडियो आप प्रमोट करो उसमें अपने ऑडियंस को ऐसे इंगेज रखो, अपने वीडियो को अपने वीडियो में ही अपने आप को प्रमोट करो। जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको एड्स डिसअप्रूव हो रहे हैं तो आप आई बटन पे वीडियो दिया ये वाला चेक कर लीजिए, इससे आपके एड डिसअप्रूव नहीं होंगे, आपका एक्चुअल रीजन पता चल जाएगा आपके एड के डिसअप्रूव होने का, तो ये वाला वीडियो देखिए। ऐसे ही आपको भी अपने वीडियोस के बीच अपने वीडियो को प्रमोट करना है। जब आप प्रमोट करते जाओगे अपने वीडियो को तो आपको क्या होगा कि जो पर्टिकुलर वीडियो जिसका आप एड रन कर रहा है उस पर आपको व्यूज मिलेंगे, उससे व्यूज से आपके लोग दूसरे वीडियो पे देखेंगे। जैसे अगर आपके 1,000 व्यू आ गए, 1,000 में अगर 500 लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो 500 लोग आपके दूसरे वीडियो भी देखेंगे उससे रिलेटेड। जैसे मैंने बना दिया इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाए और एक मैंने बना दिया इंस्टाग्राम के एक साथ अनफॉलो कैसे करें, ऐसा करके मैंने 2-3 वीडियो बनाए तो लोग पहले फॉलोअर्स का देखेंगे फिर अनफॉलो वाला भी देखेंगे। तो ऐसे ही आपको 2-3 वीडियो एक से एक जोड़ना है। जैसे आपने ये वाला प्रमोट किया एंड स्क्रीन पे दूसरा वीडियो लगा दिया, लोग ने वहां से क्लिक करके दूसरे वीडियो पे देखने लगे। आपने तीसरा लगा दिया एंड स्क्रीन पे तीसरा देखने लगे। आपने आई बटन पे कुछ वीडियो लगा दिया, लोग आई बटन पे देखने लगे। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर आपने 1,000 से इस वीडियो को प्रमोट करा है और इस पे कम CPM में आपने प्रमोट कर दिया, 5 या 6 पैसे पर व्यू आपने प्रमोट कर दिया, उससे आपका क्या हुआ, आपके व्यूज अच्छे खासे आ गए 1,000 रुपए में।
आपके पास 20-30,000 व्यूज आ गए, उससे आपने क्या किया, आपकी ये जो वीडियोस थे इन पे भी व्यूज आ गए, इनमें भी 5-5,000 व्यूज आ गए। तो 5-5,000 करके अगर 2-3 वीडियो में व्यू आ जाते हैं तो आपके 20,000 व्यूज किसके वजह से है, इसी वीडियो के हेल्प से जो आपने प्रमोट किया था। सो ऐसा वीडियो प्रमोट करना जिसके हेल्प से और वीडियोज पे व्यूज आए। सो ये ध्यान रख के आपको प्रमोट करना चाहिए, आपका इस वीडियो पे व्यू आएगा और दूसरे जो आपने एंड स्क्रीन और आई बटन पे लगाया जब उन पे व्यू आएगा तो उनका वॉच टाइम जो होगा वो काउंट होगा। तो ऐसे करके आपको यूट्यूब पे वीडियोस अपने जो भी गूगल एड्स की यूट्यूब की वीडियो प्रमोट करने और ऐसे करने कि आपके जो बाकी वीडियो है उस पे भी वॉच टाइम आए और उसका वॉच टाइम काउंट हो, जिससे कि आपके चैनल को ग्रोथ मिले। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर एक वीडियो प्रमोट करने जाओगे तो आपको फायदा कभी गूगल एड्स का नहीं मिलेगा। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गूगल एड्स को जब भी वीडियो प्रमोट करो उस वीडियो में अच्छा कंटेंट हो, उस वीडियो को लोग एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग अपने गूगल एड्स से वॉच टाइम कंप्लीट करना है, कैसे आप लोग अपने वीडियो को चाह के प्रमोट कर सकते हो और उस वीडियो के थ्रू अदर वीडियो में भी व्यूज ला सकते हो। सो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो या फिर गूगल एड्स से रिलेटेड आपको कोई और नॉलेज चाहिए हो तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें मैंने गूगल एड्स से रिलेटेड काफी वीडियोस डाल दिए हुए हैं। सो आप लोग वो चेक कर लीजिए और आपको कुछ एंड स्क्रीन पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। सो वीडियो एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।